गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग जीवों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जीवों का वर्गीकरण। जीवों के वर्गीकरण के अंदर हमने सबसे पहले नॉन कॉर्डेट्स या नॉन कॉर्डेटा एनिमल्स या जंतुओं के बारे में पढ़ा। इसके अंदर हमने 10 संघों के बारे में पढ़ा, जिनके अंदर पोरीफेरा, सीलेंटेटा, प्लेटेहेलमिंथीज, एस्केलमिंथीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, इन सभी संघों के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने कॉर्डेटा के बारे में पढ़ा, ऐसे जंतु जिनमें नोटोकॉर्ड या रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है उन्हें कॉर्डेटा कहते हैं। ऐसे जंतु जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित होती है या नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होती है उन्हें नॉन कॉर्डेटा कहते हैं। ये सभी समुद्रीय या जलीय अलवणीय एवं लवणीय जल में पाए जाने वाले जीव हैं, जिन्हें 10 संघों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। और अभी हम पढ़ रहे हैं कॉर्डेटा के बारे में, जिसके अंदर सबसे पहले हमने पिसीज के बारे में पढ़ा था और पिसीज से भी पहले हमने साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ा था। साइक्लोस्टोमेटा इट मींस ऐसे जंतु जिनमें जबड़े अनुपस्थित होते हैं, जबड़े रहित होते हैं, उन्हें हम साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं। जैसे पेट्रोमाइजोन जंतु है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमने पिसीज के बारे में पढ़ा था, पिसीज के कुछ सामान्य लक्षणों के बारे में, जैसे श्वसन इनमें गिल्स के द्वारा होता है, लवणीय एवं अलवणीय जल में पाई जाती हैं, शरीर का आकार नौकाकार होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उत्सर्जन के आधार पर ये अमीनोटैलिक होती हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन पे गिल्स सल्क पाए जाते हैं, म्यूकस का एक लेयर होती है जिससे ये चिकनी सतह पाई जाती है इनकी। और आज हम बात करेंगे टेट्रापोडा की। सबसे लास्ट में इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना होगा टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब है ऐसे जंतु जिनके अंदर 4 पैर उपस्थित होते हैं, अग्रपाद एवं पश्चपाद, उन्हें हम टेट्रापोडा कहते हैं। और टेट्रापोडा को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 एम्फीबिया, नेक्स्ट रेप्टिलिया, नेक्स्ट एवीज एंड नेक्स्ट मैमेलिया। टेट्रापोडा जंतुओं को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमें इन वर्गों के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हमें एक कॉमन इनका एग्जाम्पल याद करना होगा। जैसे एम्फीबिया है तो इनको हम जल स्थलचर कहते हैं, जल स्थलचर यानी ये उभयचर जंतु होते हैं जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी। और इसमें एक एग्जाम्पल लर्न करेंगे अपन, याद रखेंगे मेंढक। मेंढक एम्फीबिया का एग्जाम्पल है, तो मेंढक के सारे करैक्टर्स जो होंगे उससे हम याद कर सकते हैं एम्फीबिया के सामान्य लक्षणों के बारे में। दूसरी बात करेंगे हम रेप्टिलिया, ऐसे जंतु जो रेप्टाइल्स का मतलब होता है रेंग कर चलते हैं, रेंगने वाले जंतु इसमें आते हैं। तो इसके अंदर सभी सरीसृप वर्ग भी इसे हम कहते हैं, सांप वगैरह, ये सभी टॉर्टोइस, ये सारे जंतु रेप्टिलिया वर्ग के अंदर आते हैं। तो हम सरीसृप से रेप्टिलिया वर्ग के लक्षणों को याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एवीज, तो इसको हम पक्षी वर्ग कहते हैं, जो पक्षी हैं वो एवीज में आते हैं। तो पक्षियों के करैक्टर्स से हम एवीज के सामान्य लक्षणों के बारे में बात करेंगे। मैमेलिया, इसके अंदर मैमल्स आते हैं, इसको हम स्तनधारी वर्ग भी कहते हैं, ऐसे जंतु जिनमें स्तन ग्रंथियां होती हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो मैमेलिया या स्तनधारी कहलाते हैं। मनुष्य इसका एग्जाम्पल है, रेप्टाइल खरगोश इसका एग्जाम्पल है,
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चमगादड़, इसका एग्जाम्पल है। तो ये सभी मैमेलिया के जंतु हैं जिनमें स्तन ग्रंथियां होती हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो डी स्टूडेंट्स, इसमें से आज का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट, वो है टेट्रापोडा। क्योंकि जीवों के वर्गीकरण के अंदर सबसे पहले हमने जीवों के वर्गीकरण के आधार के बारे में पढ़ा, किस आधार पर हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट में, जिसके अंदर उनको प्रसंचरण तंत्र के आधार पर, कोशिका के आधार पर, शरीर संगठन के आधार पर, उत्सर्जन के आधार पर, नोटोकॉर्ड के आधार पर, विदलन के आधार पर, सम्मिति के आधार पर, ये सब आधार हैं जिससे जीवों को वर्गीकृत किया जाता है। उसके बाद जीव दो प्रकार के हमने पढ़े, नॉन कॉर्डेट जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ऐसे समुद्री जलीय जीव हैं। 10 संघों के बारे में हमने पढ़ा, इनके लक्षण और चित्र हमने बनाए। नेक्स्ट हमने कॉर्डेटा के बारे में पढ़ा और कॉर्डेटा के सामान्य लक्षणों के बाद हमने नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है ऐसे जंतुओं को कॉर्डेटा कहा जाता है। और इसमें हमने साइक्लोस्टोमेटा यानी जबड़े रहित जंतुओं के बारे में पढ़ा, और फिर हमने पिसीज के सामान्य लक्षणों के बारे में पढ़ा, और आज हम बात कर रहे थे टेट्रापोडा की, चार पैर वाले जंतुओं की, जिसके अंदर एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविश और मैमिलिया, इन चार संघों के बारे में हम पढ़ेंगे। एक एक वर्ग को हम अलग से डिस्क्रिप्टिव करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एम्फीबिया के बारे में। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एम्फीबिया वर्ग के अंदर ऐसे जंतु आते हैं जो जल और स्थल दोनों जगह पर रह सकते हैं, इसीलिए इन्हें जल स्थल चर जंतु कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो इन्हें हम उभयचर भी कहते हैं। उभयचर का मतलब है ये जल और स्थल दोनों जगह पर पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनमें स्पष्ट सिर होता है, मेंढक से हम ये सारे करेक्टर्स याद कर सकते हैं, स्पष्ट सिर होता है इनमें, और धड़ व पूंछ अनुपस्थित भी हो सकती है और उपस्थित भी हो सकती है कुछ जंतुओं के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनमें श्वसन की क्रिया तीन प्रकार से हो सकती है, ये कुछ एनिमल्स के अंदर गिल्स होते हैं तो गिल्स के द्वारा श्वसन कर सकते हैं, कुछ के अंदर फेफड़े होते हैं तो फेफड़े के द्वारा श्वसन कर सकते हैं, कुछ एनिमल्स त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। अगर मैं इसके मेंढक की बात करूं तो मेंढक तीनों तरह से, मुख के द्वारा भी श्वसन कर सकता है, फेफड़ों के द्वारा श्वसन कर सकता है, त्वचा के द्वारा श्वसन कर सकता है, कुछ एनिमल्स गिल्स के द्वारा भी श्वसन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये यूरियोटैलिक होते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इनको, जो वृक्क होते हैं वो मीजोनेफ्रिक होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनकी जो त्वचा है वो चिकनी होती है, म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं उस पर, चिकनी त्वचा के कारण ये आसानी से फिसल सकते हैं और जल में आसानी से रह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनका जो हृदय है वो त्रिकोष्ठीय होता है, तीन कोष्ठीय हृदय इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके सामान्य लक्षणों के बारे में तो इनमें दो पश्चपाद होते हैं और दो अग्रपाद होते हैं, यानी आगे के पैर होते हैं दो और दो पश्चपाद होते हैं। जो अग्रपाद हैं उनमें चार उंगलियां पाई जाती हैं और जो पश्चपाद हैं उनके अंदर पांच उंगलियां पाई जाती हैं। कुछ जंतुओं के अंदर उंगलियों के मध्य में एक जाल पाया जाता है जो इन्हें जल में तैरने के लिए अनुकूलन प्रदान करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे करैक्टर्स थे हमारे एम्फीबिया वर्ग के। अगर मैं और करैक्टरों की बात करूं एम्फीबिया वर्ग के बारे में, तो एम्फीबिया वर्ग में अन्य कई सारे करैक्टर्स और भी पाए जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं इनमें 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, इनकी जो आरबीसी है वो केंद्रक युक्त होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनका एक बहुत ही अच्छा करैक्टर है, इनमें शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता भी पाई जाती है। इसका मतलब होता है जैसे बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हम मेंढक को नहीं देख पाते हैं, या जो टॉर्टोइज वगैरह हैं इनको नहीं देख पाते हैं, कई सारे जंतु हैं इसको उनको नहीं देख पाते हैं। क्योंकि शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता प्रदर्शित करते हैं, यानी जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो ये ज़मीन के नीचे चले जाते हैं और अपने जो मेटाबॉलिक क्रियाएँ हैं, शरीर के अंदर होने वाली जो सामान्य क्रियाएं हैं उनको धीमा कर लेते हैं। जैसे मेंढक आपने देखा होगा कीचड़ के अंदर चला जाता है, अंदर गर्मियों के अंदर वो कीचड़ में चला जाता है क्योंकि पानी की कमी होती है, तो वहाँ वो स्थिर पड़ा रहता है और अपनी जो सभी क्रियाएं हैं, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन,
इनको सबको धीमा कर लेता है, इन्हें हम शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनमें जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तीन कोष्ठीय हृदय होता है जिसमें दो आलिंद और एक निलय होता है, और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स जो आपको पहले बता चुका हूँ मैं, मेंढक इसी में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सैलामेंडर एक जंतु है वो भी इसी के अंदर आता है। मेंढक और सैलामेंडर एग्जाम्पल्स इस संघ के अंदर हम लर्न कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एवीज की, तो हमें पक्षी वर्ग जिसको हम कहते हैं, तो हमें पक्षियों के सामान्य लक्षणों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एवीज वर्ग के बारे में, तो एवीज वर्ग के अंदर सभी पक्षी आते हैं। पक्षियों के अगर हम बात करें तो इनके भी कई सारे करैक्टर्स होते हैं। इनका जो अंतः कंकाल होता है, हड्डियां होती हैं, वो खोखली होती हैं जो इनके वेट को कम करती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, इनमें चोंच पाई जाती है और चोंच में दांत अनुपस्थित होते हैं जो वेट को कम करते हैं। चोंच हार्ड होती है जो भोजन को ग्रहण करने के कार्य करती है। इनके अगर हृदय की बात करें हम, तो इनका हृदय चार कोष्ठीय होता है। अगर इनके उत्सर्जन की हम बात करें तो इनमें उत्सर्जन के आधार पर ये जंतु यूरिकोटैलिक होते हैं, यानी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। बीट के माध्यम से ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं और अपने बार बार उत्सर्जन की क्रिया करते हैं जिससे इनमें वेट ना बढ़े। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनमें जो पश्चपाद हैं वो आपको दिखाई देते हैं, और जो अग्रपाद हैं वो पंखों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं जो इनमें उड़ने का अनुकूलन प्रदान करते हैं। उड्डयन अनुकूलन इनमें पाया जाता है। इनका जो शरीर होता है वो इस तरह का होता है जिससे आसानी से उड़ान भर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनके गर्दन की बात करें तो इनकी जो गर्दन है वो काफ़ी लचीली होती है, जो 360 डिग्री कोण पे भी घूम सकती है। ये चारों तरफ देख सकते हैं। आइज जो आँखें हैं इन पे, इनकी जो आँखें हैं उनमें पलक पाए जाते हैं और दोनों साइड से अलग अलग प्रतिबिंब बना सकती हैं इनकी आँखें। तो इस तरह के कुछ करैक्टर्स हैं, वो सारे के सारे एवीज के अंदर पाए जाते हैं। सभी पक्षी एवीज वर्ग के अंदर आते हैं। तो आज हम दो वर्गों के बारे में बात कर रहे थे, एक तो एम्फीबिया और एक एवीज, और कल की क्लास में हम बात करेंगे रेप्टिलिया और मैमिलिया के बारे में। इट्स ऑल फॉर टुडे। इनका जो वर्क है वो आपको PDF फाइल के द्वारा सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।